ये जानबूझकर की जा रही नासमझी है या सचमुच में लोग इतने ही नासमझ हैं कि उनसे कहा कुछ जाता है और वो उसको समझ कुछ और ही लेते हैं। यदि सचमुच लोग इतने नासमझ हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये फिर ऐसी ही बात है कि कोई तुम्हें बचाने आता है और तुम उसी को डंडे मारने लग जाओ। अपने कुछ स्वार्थों के लिए, अपने अहंकार के लिए आप यथार्थ को ही नकारने लग जाते हैं, तो फिर ये बहुत गलत है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि कई ऐसे कमेंट आते रहते हैं जो मूर्खतापूर्ण होते हैं, नासमझी से निकले होते हैं, और ऐसा होते हैं कि जो कहा गया उसको तो उन्होंने समझा ही नहीं। पर ठीक है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जिन्होंने कमेंट किए उनके कमेंट को पढ़कर उनके बारे में मुझे पता चलता है कि वो कैसे हैं, उनका मन कैसा है, व्यक्ति किस तरह से सोच रहा है, किस तरह उसका मन उसके साथ खेल खेल रहा है। तो आज हम बात करेंगे, 2 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था, जो आपके चहेते अंबानी जी हैं उनके लड़के की शादी के संबंध से रिलेटेड, उस पर कुछ कमेंट है, आज हम उस पर बात करेंगे। अब ये पहले सज्जन कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, समा करना, आप अपनी विषय से भटक गया, आप आध्यात्मिक विषय से अलग हो गया, इन सब विषय पर नहीं चाहिए, आपको जलन हुई है। अगर ये सज्जन सुन रहे हैं तो भैया आपसे कहना चाहूँगा, पहले तो आप या तो पूरी हिंदी लिख दें या पूरी अंग्रेजी लिख दें, और जो लिख रहे हैं उसको भी लिखें तो ऐसे लिखें कि समझ आए। हालांकि ये क्या कहना चाह रहे हैं, या कहना चाह रहे हैं कि आप अध्यात्म की बात करते हो लेकिन आप इस विषय पर बात कर रहे हो, उनकी शादी पर। वो बता रहे हैं कि आप भटक गए हो मार्ग से। आपको क्या लगता है, अध्यात्म का संबंध क्या परिकल्पनाओं से है, आसमानी बातों से है? अध्यात्म का संबंध है तुम्हारे जीवन से, दैनिक जीवन से, जीवन की समस्याओं से। और अध्यात्म का संबंध है कि तुम दुनिया में हो, तुम जी रहे हो, तो तुम्हारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है ना, वो सब कुछ भी तुम्हें प्रभावित कर रहा है। अब उस व्यक्ति ने जो तामझाम किया उससे दुनिया भर के लोग, पूरे देश के लोग प्रभावित हुए हैं, तो मेरे आसपास जो है वो भी हुए होंगे। अब मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी कुछ हरकतें करेंगे, प्रभावित होंगे, उनका मन प्रभावित हुआ होगा, तो उनकी हरकतों का असर क्या मुझ पर नहीं पड़ेगा? तो मैं क्यों नहीं बोलूं, मेरी जिंदगी प्रभावित हो रही है, सीधे सीधे नहीं हो रही तो इनडायरेक्टली हो रही है। अगर शब्दों को ही दोहराना है अध्यात्म के नाम पर, तो जाकर खुद पढ़ लो, किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी, श्लोक दोहरा लो, मैं कहाँ आपके हाथ पकड़ रहा हूँ। जिनको लगता है कि इन सब का संबंध अध्यात्म से नहीं है, वो अध्यात्म की बात ही ना करें, छोड़े अध्यात्म को, अपने जीवन को जिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब ये दूसरे सज्जन हैं, ये कह रहे हैं, आप तो पहले अपने आप को सुधारिए, आप तो बड़े ज्ञान की बात करते थे, अब क्या हो गया? मतलब वो जो वीडियो डाला ना मैंने, उसमें मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कड़क आवाज है, अब क्या हो गया? हाँ, वे पैसे खर्च कर रहे हैं वो उनकी बात है, आपसे तो नहीं मांग रहे हैं। आपसे ये आशा ना थी तो भैया आशा मुझसे लगाओ भी मत। मैं तुम्हें कहता हूँ कि भैया ना तुम उम्मीद रखो किसी से, ना कोई तुमसे उम्मीद रखे तो उसको उम्मीद रखने दो, अगर कोई उम्मीद तुमसे रखता भी है तो उसको तोड़ दो अभी। मैं तुमसे कहता हूँ उम्मीद तोड़ो मत, किसी से उम्मीद करो, ना ही किसी को अपने से उम्मीद लगाने दो, और तुम मुझसे उम्मीद लगा रहे हो, तो मुझसे तो कोई उम्मीद रखना भी नहीं भैया। आप तो पहले अपने आप को सुधारिए, बिल्कुल मेरी गलती तो बताओ, सुधार लूँगा अगर गलती होगी तो, धन्यवाद दूंगा आपको। आप तो बड़े ज्ञान की बात करते थे, वो ज्ञान आपको बड़ा लगता है पर वो जीवन के लिए सहज ज्ञान है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे ज्ञानी बनाओ, मैंने तो कभी खुद नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ, आप मान के बैठ गए तो मैं क्या करूँ। और ये मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हो, वे पैसे खर्च कर रहे हैं वे उनकी बात है, आपसे तो नहीं मांग रही, ऐसी बात हो गई कि ये उनका पर्सनल मामला है, आप क्यों बोल रहे हो? तुम्हें किसने कहा पर्सनल मामला है? पूरी दुनिया को भोगवाद सिखा रहा है, पता है वो क्या कर रहा है?
वो और उसके जैसे लोग भोगवाद सिखा रहे हैं कि भोगो 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 खूब भोगो। कल्पना करो कि देश का हर व्यक्ति इतना भोग करेगा तो क्या होगा इस पृथ्वी का। और तुम कह रहे हो पैसे तुमसे नहीं लिए, वो क्या आसमान से उतार के लाया है पैसे है? वो जो टैक्स के रूप में मेरी जेब से जाता है, कुछ भी खरीदता हूं, वो मेरी जेब से नहीं गए क्या? और इतना भोगवाद चलेगा तो चीजें महंगी होंगी, तो पैसे मुझे ज्यादा देने पड़ेंगे ना। और सब इतना भोगवाद करेंगे तो उसके लिए संसाधन कहां से आएंगे? पृथ्वी को बर्बाद करना पड़ेगा ना। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या आई, इसके कारण गर्मी बढ़ रही है, तो मुझे कूलर फ्रिज ये खरीदने पड़ेंगे ना। तुम दोगे क्या मुझे पैसे ला करके? असर पड़ रहा ना मेरे घर में। इतना भोगोगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, बेटाइम बारिश होगी, ज्यादा होगी, मेरा घर टूट जाएगा। तुम बनाओगे मेरे लिए महल जिसमें मैं रह सकूं आराम से? इतना भोगवाद वो दर्शाएगा, फिर मेरे माँ बाप मुझसे कहेंगे कि देख उन्होंने बड़ी शादी करी, हम भी शादी करेंगे बड़ी, तू भी खूब कमा। फिर वो मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे कि तेरी बड़ी शादी करनी, जा पहले पैसे कमा। तुम कमा के दोगे क्या मुझे? सारे माँ बाप के, सारे लोगों के मन में वो घुसेड़ रहा है कि ऐसे भोगो, ऐसे शादी करो, ताकि उसका धंधा चमके और तुम लोन ले लेकर के अपने आप को बर्बाद करो। और सारे जवान फिर दिन रात लगे मेहनत करने सरकारी नौकरी के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, कि हमें भी शादी करनी है। तुम जाओगे उनको बचाने? जब वो इस तरह के सपने पूरे नहीं कर पाएंगे तो उनकी शादियां टूटेंगी, उनके संबंध खराब होंगे, वो फांसी लगा के मरेंगे, तुम जाओगे उनको बचाने? तुमसे पैसे लिए क्या? वो उनकी बात है, उनका पर्सनल मामला है। अच्छा, तुम्हारे घर के बाहर आकर के मैं खूब डीजे बजाऊं, तुम्हारे घर की दीवार के अंदर नहीं घुसाऊं, खूब बजाऊंगा दिन रात, तब कहना कि उसका पर्सनल मामला है, वो बजा रहा है, कुछ भी करे। तुम्हारे घर के आसपास गंदगी फैला देता हूं जो तुम्हें बीमार कर दे, फिर कहना कि ये उसका पर्सनल मामला है, वो कुछ भी करे। अरे भाई, मुझ पे असर पड़ रहा है, मुझ पे हर तरह से, इसलिए बोलता हूं। और जो आसपास है उन पर पड़ता है, उन पर पड़ता है, तो वो क्या व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का मुझ पर फर्क पड़ता है, तो बोल, इसलिए बोल रहा हूं मैं। और वो मुझसे मांग नहीं रहा है, वो मुझसे छीन रहा है, और सिर्फ मुझसे नहीं छीन रहा है, वो तुमसे भी छीन रहा है। लेकिन तुम इतने गंवार हो, इतने ना समझो कि तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए बोलते हैं कि पहले थोड़ा ढंग से पढ़ लो, टैक्स वैक्स पढ़ लो, GST और इनकम टैक्स क्या होता है। वो इनकम टैक्स तुमसे नहीं लेता, GST तो लेता है ना। और सिर्फ GST नहीं लेता, अभी मैंने क्या कहा, तापमान बढ़ेगा, तुम्हें चीजें खरीदनी पड़ेंगी, फैन पंखा फ्रिज कूलर। और क्लाइमेट चेंज से घर तुम्हारे बर्बाद होंगे, सड़ेंगे, बाय टाइम बारिश होगी, किसान मरेगा, उसकी फसलें बर्बाद होगी। क्यों हो रही है? इस क्लाइमेट चेंज के कारण। और क्लाइमेट चेंज क्यों आता है? इन जैसे घटिया लोगों के कारण। इन जैसे घटिया लोगों ने इतने भोगवाद के लिए पर्यावरण को बर्बाद कर दिया, तो उससे बीमारियां फैलेंगी ना। बीमारियां फैलेंगी तो बीमार हो गए, फिर अस्पताल में पैसे चाहिएंगे, ये ला कर देगा मुझे? वो इस तरह से तुमसे पैसे निकलवा रहा है तुम्हारी जेब से, और तुम्हें लगता है कि अपने पैसे उड़ा रहा है। इसीलिए तो लूटते हो तुम, इसीलिए बर्बाद होते हो, क्योंकि तुम समझते नहीं कि वो किस तरह से तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब एक और ये साहब है, ये कह रहे हैं, हाँ उस वीडियो में जो जो बातें आई ना उन पर इन्होंने कमेंट किया लोगों ने, तो इनका कहना सभी कर्मचारी फालतू बैठे बैठे सैलरी नहीं लेते भाई साहब, प्राइवेट वालों से ज्यादा काम करते हैं और प्राइवेट से कम सैलरी है। इनका कहना है, मैंने कहा था कि जैसे सरकारी दफ्तरों में लोग काम बहुत कम करते हैं और सैलरी लेते हैं। महोदय जी, ये एक बात तो आपको अपनी ही समझ से देख लेनी चाहिए कि कुछ भी बात 100% नहीं होती है। यदि मैं कह रहा हूं कि कर्मचारी जो हैं काम कम करते हैं और सैलरी फुल लेते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट से ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो सैलरी तो लेते हैं लेकिन उतना काम नहीं करते। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे एक जैसे हैं, एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह पर। कुछ लोग होते हैं जो सही होते हैं, जो पूरी मेहनत से काम करते हैं। आप उनमें से हैं तो बहुत अच्छी बात, पर लगता नहीं कि आप उनमें से हैं। कभी अपने अहंकार को छोड़कर बाकी दुनिया को भी देख लिया करो कि बाकी पूरी दुनिया में क्या ऐसा चल रहा है, और अगर ऐसा चल रहा होता तो इतना भ्रष्टाचार क्यों है इस देश में। चलो आगे क्या कह रहे हो आप, प्राइवेट वाले से ज्यादा काम करते हैं और प्राइवेट से कम सैलरी लेते हैं। एक किसान ने एक बार मुझसे कहा कि भैया हम बहुत मेहनत करते हैं, मुझे दिख रहा था वो कितनी मेहनत कर रहा है,
बहुत मेहनत करते हैं, ये देखो ये लोग तो नौकरी से कमा लेते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो मैंने उससे कहा कि तुझे इतनी अगर इतनी आसान लगती है नौकरी तो जाकर कर लेना, किसने मना किया तुझे नौकरी करने से, छोड़ किसानी विसानी। तू कह रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसानी में और मिलता कुछ नहीं, और देखो सर नौकरी वाले, तो तुझे मना किया क्या, पढ़ना जाके, पढ़ने में तो आलस आता है, जवानी में तो गुल छर्रे उड़ा लिए, और ये तो कहना मत कि मौका नहीं मिला, तुम्हारे साथ में भी कोई ना कोई रहा होगा। मौका जिसको पढ़ना होता है ना वो कहीं से भी खोज लेता है, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना हो। तो ये वैसी बात हो गई कि भैया मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मिलता कुछ नहीं, और वो देखो नौकरी वाले, हाँ तो जाकर करो नौकरी, पूछो उससे, वो बेचारा शहर में रहता है, छोटी सी चार दीवारी है रेल के डिब्बे की तरह, उसमें घुटता है, वहाँ खुली जगह नहीं मिलती उसको, कोई ऐसा माहौल नहीं मिलता जहाँ पर जाकर थोड़ी देर शांति से बैठ ले। तुम गांव में हो, खुली जगह है, स्वस्थ हवा है, पेड़ों की छाया है, बहुत कुछ है ऐसा जो मुफ्त मिला हुआ है तुम्हें, लेकिन तुम्हें उसकी कदर नहीं है, और तुम्हें चाहिए महल शहरों जैसे, पर जाकर देखो वहाँ पे, हैं, तुम्हारा अपना खेत है तो तुम अपने मालिक हो, जाकर गुलामी करके देखो चार किसी बॉस के अंडर में रह करके, तब पता चलेगा कि ये जो पैसे मिलते हैं कितनी गुलामी सह करके मिल रहे हैं उसको। पर इनको लगता है अरे नौकरी वाले तो यूं ही मिल जाते हैं, इतना सस्ता लग रहा हो ना, तो जो कोई किसान हो आप में से जा करके नौकरी कर लो, और ये मत कहो कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़ो जाकर, उसको भी मुफ्त में तो नहीं मिल रही है। सबको ये लगता है कि हम ही मेहनत करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करता। और भाई साहब आप कह रहे हैं प्राइवेट वालों से ज़्यादा काम करते हैं और प्राइवेट से कम सैलरी मिलती है, तो छोड़ दो ना नौकरी, जाकर प्राइवेट कर लो, क्यों कर रहे हो सरकारी, पैसा भी कम मिल रहा है, काम भी ज़्यादा कर रहे हो, इतने वो काम भी इतना अच्छा तो होगा नहीं कि उसके प्रति तुम देशभक्त हो गए, और उस काम से भी इतना प्रेम तो होगा नहीं, तो ये मजबूरी दर्शाते नहीं आप, तो काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा, पैसा भी कम मिल रहा, और कोई स्वार्थ नहीं है तुम्हारा सचमुच में, तो छोड़ दो जाकर प्राइवेट कर लो, वहां पे ज्यादा भी मिलेंगे, काम भी कम करना पड़ेगा। अगर कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई फायदा नहीं मिल रहा होता, तो क्या तुम करते यहां पर, नहीं करते, लेकिन इस बात को नहीं बताओगे कि स्वार्थ भी है। भाई साहब कोई नहीं है ऐसा इंसान, इतना भला नहीं है, ऐसे लोग हर कहीं नहीं मिलते कि खूब मेहनत करे कम आमदनी ले। अगर सरकारी में कोई फायदा ही नहीं है मुफ्त का, तो ये जो भीड़ लगी है सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग क्लासेस में शहरों के अंदर, जवान बर्बाद हो रहे हैं, इनके माँ बाप इन पर चढ़कर बैठे हैं कि नहीं सरकारी नौकरी करो, ये काहे को कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ मुफ्त मिल रहा है। तो भाई साहब ये जो लिख रहे हो कम से कम उसको तो ऐसा लिखो कि उससे ही सच्चाई जाहिर ना हो। फिर आगे आप कह रहे हैं आपने भी कुछ धारणाएं पाल रखी हैं, उनसे मुक्त हो जाओ, दूसरों की धारणाएं दूर करने से पहले खुद की धारणाओं को भी जरा सुधार लो। तो कृपा करके बता दिया करें कि मेरी कौन सी धारणाएं हैं, अगर मुझे दिखता है कि हाँ वो धारणाएं हैं और गलत हैं तो ज़रूर मैं उसमें सुधार करूंगा, मैं तो चाहता हूं ना कि मेरी गलतियां निकालो ताकि मैं और बेहतर हो सकूं। अरे रे रे रे, ये सज्जन तो कह रहे हैं जलनशील हैं आप और कुछ भी नहीं, मतलब वो जो है शादी वादी कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, महंगे शादी कर रहे हैं, खूब पैसे उड़ा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, तो इनको लग रहा है मुझे जलन हो रही है। वाह जी वाह, जलन का अर्थ समझते हो, जलन का अर्थ है कि ये सामने वाला मुझसे आगे कैसे निकल गया। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं भी वही चाहता हूं, तुम्हें लगता है कि मैं वो भोगवाद करना चाहूंगा जिससे पूरी पृथ्वी बर्बाद होगी, अगर वही मुझे करना है तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता। तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया को वो सब करने के लिए प्रेरित करूंगा, उकसाऊंगा, मजबूर करूंगा, जो पूरी पृथ्वी को नर्क बनाएगा, लोगों का शोषण करने के लिए कहेगा, वो जो कुछ भी कर रहा है, लोगों का, आम जनता का खून चूस करके उसने ये सब किया है, ये सब करके अगर मुझे ये सब मिल रहा हो तो चाहे सामने हो मैं ना लूं ऐसा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि तुम ऐसा हो, तुम्हें अवसर मिले तो तुम ले लोगे। देखो दो तरह के लोग होते हैं, जो कहते हैं ना कि नहीं ये लोग देखो गलत कर रहे हैं, इन कितने पैसे उड़ा रहे हैं, है? आम जनता को लूट रहे हैं, है ना, ये बड़े बड़े लोग चोर हैं, लुटेरे हैं, ये आम जनता को लूटते हैं। पर जो ऐसा कहते हैं ना उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सचमुच कहते हैं कि भैया ये गलत कर रहे हैं और ये गलत हो रहा है आम जनता के साथ, चाहते हैं वो कि जनता का भला हो। पर एक ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो खुद नहीं लूट पाए,
लूटना तो वो भी चाहते थे पर वो नहीं लूट पाए, इसलिए जो जिन लोगों ने लूट लिया जनता को वो उनकी बुराई करते हैं, नहीं तो चाहते ये भी थे। भाई साहब अपनी तरफ से तो मैं यही चाहता हूँ कि जनता ना लूटे, और तुम जागो कि किस तरह से ये तुम्हें लूट रहे हैं, किस तरह तुम्हारे घर में ये उन चीज़ों को भी ला करके धर देते हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं होती है, और फिर तुम उनके बोझ के तले दबे रहते हो, किस तरह ये तुम पे वो सारे काम करवा लेते हैं जो तुम नहीं करते अगर ये लोग तुम्हें मजबूर नहीं करते, ये बार बार तुम्हें नहीं दिखाते कि ये चीज़ होती है, ऐसा करो वैसा करो। तुम्हारे गांव में, शहर में, तुम्हारे पड़ोस में अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती जो आज हैं, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने खरीदी हैं पर नहीं खरीदते अगर आपको पता नहीं चलता तो। क्यों? क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत थी ही नहीं, इसलिए आपको उनका पता भी इतनी आसानी से नहीं चलता। पर पड़ोस में कोई नई चीज़ ले आएगा, आप उसको देखोगे, आप रोज़ रोज़ देखोगे, फिर आपका भी मन होगा और आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए सोचोगे, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करोगे, फिर कहोगे कि हाँ मुझे भी चाहिए। इस तरह ये लोग तुम्हारे घर में न जाने क्या क्या हरकतें कर देते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। तुम्हारे घर में भी, दीवार वाले घर में भी, शरीर पर भी और मन पर भी, तुम्हारे सारे घरों में ये घुसे पड़े हैं, और कोई तुम्हें इन सब मूर्खताओं से बाहर निकालने आता है, तुम्हें समझाता है कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो तुम वैसे ही काटने दौड़ते हैं जैसे किसी जानवर रहता है ना, जैसे किसी कुत्ते को चोट लग जाती है, हम उसको दवा लगाने जाते हैं तो वो काटने लगता है। हम इंसान ऐसे हो गए हैं ना समझी के कारण। जो कोई भी तुम्हें सही बात कहे, तुम्हें जगाए, उसी को तुम काटने लगते हो। अरे थोड़ा समझो भी तो, कह क्या रहा है वो। अभी किसी सज्जन ने लिखा कि सर मैं भारत के ग्रामीण इलाके की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आसपास देखता हूँ कि लोगों की दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, वही लोग शादी में इतना पैसा बर्बाद करते हैं कि बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा महसूस होती है। हाँ तो यही है ना, लोगों के पास शादी करने के लिए पैसा नहीं होता, वो लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उनको बड़ी शादी करना है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने की है, क्योंकि उसे भी दिखाना है कि भैया देखो मैं भी बड़ी शादी कर सकता हूँ। अगर आसपास दूसरे लोग नहीं करें तो बेचारे उस गरीब को भी मजबूर होकर के वो सारा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। एक कार्यक्रम होता है हमारे उधर नुक्ता, क्या पता आप में से कितनों की तरफ होता है, कोई मर जाता है तो उसके बाद 10-11 दिन बाद उसके रिश्तेदारों को, गांव के लोगों को, और मतलब ये मान सकते हो आप कि हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। अब कोई व्यक्ति है जिसके पास खुद के खाने के लिए व्यवस्था आसानी से नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये नियम बना रखा, रीति रिवाज, व्यर्थ की परंपराएं, सब करते हैं, तो बेचारे को उसको भी करना पड़ता है, और फिर वो सालों तक या जीवन भर उसके कर्ज के तले दबा रहता है। ये मूर्खता होती है। और कोई तुम्हें कहे कि भैया ये सब व्यर्थ है, इनसे कोई लाभ नहीं, मत करो ये, तो तुम कहोगे भैया ये तो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, बाहर आओ इन सब से, जो कहा जाता है उसको समझने का प्रयास करो, और जो ये लोग दिखाते हैं तुम्हें उसको देखने का प्रयास करो कि ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे मन के साथ। अभी एक सज्जन ये कहते हैं, कुछ अलग बात बताऊं, सोशल मीडिया आपसे ये पहले ये बात बहुत लोग ने बोला है, इसका तात्पर्य यह है। अब उन्होंने जो लिखा वो तो उनको समझ आएगा नहीं, क्योंकि ये बात तो लिख देते हैं आप लोग, पर लिखते क्या हो वो आपको भी समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ो तो। इनका कहने का मतलब है कि आप जो बात कर रहे हो ना इस वीडियो में, वो पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया पर कह दिए हैं, बहुत लोगों ने। अच्छा, बहुत लोगों ने कह दिया, तो तुम इतने फुर्सती काय को, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो तुम 17 वीडियो देख रहे हो एक ही टॉपिक से रिलेटेड, जब देख ही चुके थे तो यहां क्यों देखा। एक सज्जन कह रहे हैं, सबको दिमाग दिया है भगवान ने। अच्छा, सबके घर में गाड़ी होती है, इसका मतलब यह नहीं होता भाऊ साहब कि सबको गाड़ी चलाना आती है, ठीक है, सबको गाड़ी की समझ हो, जिसको चलाना आती है उसको समझ भी हो उसको, ये भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो भाई साहब दिमाग, मस्तिष्क सबको दिया है, मस्तिष्क का इस्तेमाल कैसे करना है जरूरी नहीं कि सबको आता। और ये देख लो पीछे हमने जो कमेंट पढ़े उसमें दिख रहा है कितना इस्तेमाल करते हो आप बुद्धि का भी, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ये तुम्हारे साथ बुद्धि से ही तो खेल रहे हैं, तुम्हारे मन से ही तो खेल रहे हैं, पर मन का और बुद्धि की भी तुम्हें कितनी समझ है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो दिमाग होने से कुछ नहीं होता है, उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। सबको दिमाग दिया है भगवान ने, अभी तो तुम्हें यही नहीं पता भगवान क्या चीज़ है, भगवान कोई देता है तुम्हें आकर के? कुछ भी जो लिखते हो जरा उस पर गौर तो करो, लिख क्या रहे हो। ये एक
महोदय लिख रहे हैं, अमीरों की शादी में कई गरीब लोगों को मजदूरी मिल जाती, कितनों को मिल जाती है? अरे उससे पहले पूछ तो लो ये गरीब हुए क्यों? ये गरीब हुए ही इसलिए क्योंकि तुम इन अमीर लोगों को अमीर बना रहे हो, ये तुम्हारे कंधों पर चढ़ करके बैठे हैं इसलिए अमीर हैं। तुम गरीब हो इसीलिए वो अमीर हैं, तुम्हारा खून चूस करके ही वो अमीर बने हैं। पर ये तुम्हारी जो नासमझी है ना, वो कैसी है पता है? उसने 1000 रुपये तुमसे चुरा लिए, अलग अलग तरीकों से तुमसे छीन लिए, अस्पताल उसकी, कपड़ों की, जूते चप्पल की दुकान उसकी, खाने पीने की चीज़ों की दुकान उसकी, पेट्रोल की दुकान उसकी। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ऐसे धंधे करने वाले व्यापारी लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी, जो तुम्हें लूटते हैं। तो सब कुछ तुम्हारे आसपास जो भी है वो सब है उन्हीं का, और उन सब तरीकों से, उन सब माध्यमों से। अब गर्मी आएगी तो कूलर वो बेचेंगे, तुम्हारे घर टूटेंगे तो घर में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो चीज़ें वही बेचेंगे, अगर बीमार हो तो अस्पताल भी वही बनाएंगे, पहले तुम्हें बीमार करेंगे फिर अस्पताल बनाएंगे। अब हुआ क्या, उसने तुमसे 1000 रुपये निकाल लिए तुम्हारी जेब से और तुम्हें पकड़ा दिए 10 रुपये, लो ये हो गई मजदूरी जो तुम्हें मिली। क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो कि रोजगार मजदूरी मिल जाएंगे, कितने दे देते हैं वो, जो पैसा वो यूं ही उड़ा रहे हैं व्यर्थ की चीजों में, उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते तो जितना यहां मजदूरी में मिलता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मिलता और कई गुना ज्यादा लोगों को मिलता। लेकिन ये तुम्हें तब समझ आए ना जब थोड़ा सा तुम अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को पढ़ो, थोड़ा सा कॉस्टिंग को पढ़ो, कॉस्टिंग मैनेजमेंट, थोड़ा सा गणित याद हो। पर ना तो तुम वो पढ़ना चाहते हो, ना तुम ज्ञान को समझना चाहते हो, फिर लुटोगे नहीं तो क्या होगा? कोई जिसके यहाँ तुम नौकरी करते हो वो अगर तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा है ना, तो तुमसे 25-30 लाख रुपये कमा रहा है तुम्हारे माध्यम से, तब जाकर के वो तुम्हें दे रहा है इतना, तुमसे, तुम्हें जितना देता है उसका 8-10 गुना वो कमाता है कम से कम, यूं ही नहीं दे रहा है तुम्हें मुफ्त में। अब ये किसी देवी जी ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए शादियां भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो शादी में खर्च होता है उसका इंतजाम कोई ना कोई बिजनेसमैन या कोई हुनरमंद करता है जिनके पास इसका पैसा जाता है, और ऐसा ही पैसा फिर घूमता है पूरी सोसाइटी में। अच्छा कितनों तक पहुंच गया, तुम्हें दिख नहीं रही है भारत में इतने सारे लोग गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं, कितना पैसा पहुंच जाता है और किस तरह से पहुंच जाता है? तुम कह रहे हो कोई ना कोई बिजनेसमैन या हुनरमंद आदमी उसका इंतजाम करता है, हाँ तो वो बिजनेसमैन और हुनरमंद आदमी करता है उसका इंतजाम, तो उसी के पास जा रहा है, जो इंतजाम कर रहा है वो भी उसी का है सारा धंधा, उसी के पास जा रहा है वापस। ये जो मेरिज डेस्टिनेशन और ये जो फोटोग्राफी है, जो बड़ी बड़ी, ये जो गहने हैं, ये जो महंगे कपड़े हैं, ये क्या कोई आम मजदूर चलाता है क्या? कोई किसान चलाता है? कोई आम आदमी चला रहा है क्या उनको? उनको चलाने वाले वही हैं रईस लोग, उनके पास जाता है मैडम जी सारा पैसा वापस अमीरों की जेब में, पर ये निकला था गरीब की जेब से। अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता, अरे GDP बढ़ जाएगी तुम्हारी, आम आदमी की हालत सुधरती है क्या उससे? अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है, आदमी बढ़ता है क्या? उसका घर नहीं बना अभी तो, कच्चा है, अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। बैंक में भरे हो तुम्हारे करोड़ों रुपए और खाने को एक दाना नहीं मिल रहा क्योंकि बर्बाद हो गई सारी बरसात के कारण, खा लो पैसों को, खा लोगे क्या? तो अर्थव्यवस्था बढ़ा देंगे वो, किस काम की वो, जब लोग यहाँ मर रहे हैं गरीबी से, बीमारी से, क्लाइमेट चेंज से, भुखमरी से, पानी की कमी से, जंगलों की कटाई से, बरसात से, बाढ़ से, भूकंप से, और इन सब के लिए जिम्मेदार हैं यही जिन्हें तुम बड़ा चहेता समझते हो अपना। ये जो लाखों करोड़ों के गहने लटका रखे हैं तुमने शरीर में, जिससे खरीद के लाए, पैसा उसके पास गया, वो था बड़ा बिजनेसमैन, सोना चांदी हर कोई तो नहीं बेचता आम आदमी, इतने उसके पास होते तो वो आम आदमी होते ही नहीं इतना, तो गए बिजनेसमैन के पास, रईस के पास किसी, और जिसने लटका रखे गले में, अब वो वहीं गले में लटके हैं, उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, कहाँ घूम रहा सोसाइटी में? वो जो घाघरा चोली पहन लिया तुमने महंगा लाखों का, जिससे खरीदा उसको पैसा मिल गया, बनाया भी उसको किसी बड़ी कंपनी ने, बड़े मैन्युफैक्चरर ने, और जिसने पहना अब वो वहां से आगे नहीं जाएगा, तो कहाँ सोसाइटी में घूमेगा मैडम? और ये इतने गुलछर्रे उड़ाते हैं, तुम्हें लगता है कि छोटे छोटे से लोगों को बुलाते होंगे वहां पे काम के लिए? वहां बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले आते हैं, ऊंची डिग्री हासिल करने वाले लोग, जो लाखों लेते हैं खाना बनाने के भी, लाखों करोड़ों, तुम्हें लगता है कि आम जनता को मिल जाएगा?
अगर मिल रहा होता ना तो ये जनता गरीब नहीं होती। राम जाने ये बात भी समझ आई कि नहीं आई, नहीं तो कर देना कमेंट।